नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि अब उन्होंने दिन दहाड़े लूट करने की शुरू। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी की गली नंबर 17 में बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल के बल पर और आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर भारत फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और उसके साथी से की 9,84,000 रुपए की लूट, जिससे क्षेत्र में फैली सनसनी। SSP, SP सिटी, SP देहात व CO मंडी ने मौके पर पहुंच मामले की जांच की शुरू। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम हुए घोषित। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही छात्र छात्राओं के चेहरे पर आई मुस्कान। वहीं इस्लामिया इंटर कॉलेज के छात्रों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छे अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन। बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जानसर थाना क्षेत्र की भलवा चौकी से कुछ ही दूरी पर दो बाइक सवार चार अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से की 70,000 रुपए की लूट। मौके पर पहुंचे SP देहात अजय सहदेव ने मामले की जांच की शुरू। कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभा कक्ष में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को कर संबंधित दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कस्बा चरथावल में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने सुखलाल वाल्मीकि की अध्यक्षता में वाल्मीकि मंदिर के पास पंचायत कर प्रशासन द्वारा शमशान घाट को कागजों में दर्ज न कराने का आरोप लगाते हुए BJP सरकार का किया बहिष्कार। भारतीय किसान संगठन के बैनर तले दर्जनों किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच किसानों पर हुए अत्याचार के विरोध में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा। SSP अनंत देव तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर वाहन चोर धरपकड़ अभियान के तहत नई मंडी क्षेत्र के गांधी नगर चौकी प्रभारी राजकुमार सिंह ने भोपा चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक युवक को चोरी की बाइक और अवैध चाकू के साथ किया गिरफ्तार। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जिला अध्यक्ष नई मुल्ला उर्फ नानू मिया के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा। अखिल भारतीय पंचायत विकास संगठन के बैनर तले दर्जनों ग्राम प्रधानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी की गली नंबर 17 में बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल के बल पर और आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर भारत फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और उसके साथी से की 9,84,000 रुपए की लूट। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में उस समय दिन दहाड़े लूट वारदात को अंजाम दे डाला, जब भारत फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी कृष्ण कुमार अपने साथी विश्वेंद्र बाइक पर सवार होकर HDFC बैंक में 9,84,000 रुपए जमा करने जा रहे थे। तभी पीछे से आई बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने कृष्णा विश्वेंद्र की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर नकदी से भरा बैग छीनकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लूट की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंचे और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ कर वापस लौट गए। इस पूरी घटना में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों की घोर लापरवाही भी देखने को मिली। फाइनेंस कंपनी ने सुरक्षा के लिहाज से ना ही तो कोई सुरक्षा गार्ड तैनात किया हुआ था और ना ही बिल्डिंग परिसर में एक भी CCTV कैमरा लगाया हुआ था। आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं जब अपराधियों ने पुलिस धत्ता बताते दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया। एक सप्ताह पहले भी मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के पिन्ना गांव में सर्व यूपी ग्रामीण बैंक पर दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक परिसर में घुसकर हथियारों के बल पर 7,50,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। और आज फिर सरेआम हुई लूट की घटना ने मुजफ्फरनगर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का सवालिया निशान छोड़ दिया है। HDFC बैंक में जा रहे थे बाइक से डिस्कवर से। उसके बाद में जैसे ब्रांच से बाहर निकले, आगे मोड़ पे तीन आए CVZ पे और आँख में मिर्च एकदम से मारी मेरे में, तो आँख करंट से जैसा लगा, जैसे बिजली का करंट सा लगा, एकदम आँख भूंद गई, मैं नहीं देख पाया क्या हुआ। लेकिन दूसरा जो हमारा बाइक चला रहा था उसकी आँख में नहीं पड़ा था। उसने जो देखी बाइक पे ना तो कोई नंबर प्लेट थी, तीनों मुँह पे कपड़े लपेट रखे थे, ठीक है। वो जब मैं पीछे बैठा था
वो गिरते ही बैग हाथ से छूट गया, वो बैग लेके भागे, उसने बैग पकड़ लिया, उसने कट्टा तान दिया। क्या था बैग में? पैसा था 984,000। वो बात सर सही है, लेकिन अब हम तो कंपनी से बोलते थे ये चीज़ तो कंपनी प्रोवाइड कराएगी ना। सुरक्षा के लिहाज से पैसा लेके जाता है सर, बस ये काम हमारा डेली होता था, इससे कोई वो नहीं था। नहीं, पैसा अगर कैश लेके जाता है तो सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए ना सर। वो तो है, लेकिन जब डेली डिपॉजिट होता है ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं था कि वो कुछ ऐसा हो जाएगा किसी के। कृष्ण कुमार, ये देखिए भारत माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, ये कई जगह से जो है कलेक्शन लेकर के आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से इनका जानसठ रोड पर HDFC बैंक में खाता है, वहाँ पर जमा करने के लिए जाते हैं उस पैसे। आज ये घटना हुई लगभग 2:30-3 बजे के आसपास। बैंक यहाँ के ब्रांच मैनेजर कृष्ण कुमार और एक उनका कर्मचारी जो संगम मैनेजर कहलाता है विश्वेंद्र, ये दोनों लोग बैंक का जो है इनका पैसा जो बैंक में जमा करने जा रहे थे। थोड़ा सा आगे जाने पर एक बाइक सवार, तीन लोग बताए जाते हैं कि जिन्होंने इनके आँख में मिर्च झोंक करके और इनसे पैसे छीन लिए। ये अभी ये अपना हिसाब कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो अनुमान है वो लगभग 9 लाख के आसपास बताया गया है। देखिए मैं स्वयं इस पॉइंट पर आ रहा था, ये लगातार हम लोगों ने देखा इसके बाद में पूरे पूरे गली में या इस तरह की तमाम छोटी छोटी एजेंसी चल रही हैं, किसी ने भी कोई CCTV कैमरा वगैरह नहीं लगा रखे, बावजूद इसके कि सबको मीटिंग करके बताया गया कि सुरक्षा की व्यवस्था करें। यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है इस कंपनी में, कोई सायरन सिस्टम नहीं है इनका। इस तरह की कंपनीज़ को जो है लगातार एडवाइजरी जारी होती है, लेकिन ये इसकी वजह से भी घटना होने में जो है काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। CCTV कैमरे वगैरह नहीं है, कोई अपनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी इनकी। हम इस मौके से, इस माध्यम से लोगों से अपील भी करेंगे कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था जरूर करें, और इस प्रकार का कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन अगर है, अगर किसी भी प्रकार का बिना सुरक्षा के ट्रांजेक्शन है, तो पुलिस को इसके बारे में जरूर अवगत कराएं ताकि उनके साथ में फोर्स जा सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही छात्र छात्राओं के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। मुजफ्फरनगर बीते दिनों आए CBSE हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम के बाद आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम घोषित हुए, जिसे देख छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। वही परीक्षा परिणाम आते ही छात्र छात्राएं काफी उत्सुक दिखाई दिए, जिसके बाद छात्र छात्राएं काफी खुश हुए। वही इस्लामी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने इस वर्ष 100% सफलता प्राप्त की। इस्लामी इंटर कॉलेज के छात्रों ने इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति काफी अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया, जिसमें विज्ञान वर्ग में सलमान ने 77.2 अंक प्राप्त कर विज्ञान वर्ग में टॉप किया। सलमान ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों और विद्यालय के अध्यापकों को दिया। वही कला वर्ग में अफसर अहमद ने 74% अंक प्राप्त कर कला वर्ग में टॉप किया। इसी के साथ वाणिज्य वर्ग में आस मोहम्मद ने 68% व व्यावसायिक वर्ग में शोएब ने 85% अंक प्राप्त कर विद्यालय व जिले का नाम रोशन किया। 66.8 पढ़े तो लगभग 4-5 घंटे। स्कूल में बहुत अच्छा माहौल रहा है, टीचर बहुत अच्छे हैं, और अपने गाइडेंस और डॉक्टर। 12वीं क्लास का 76%, ट्यूशन से पढ़ाई करनी, बहुत अच्छा माहौल था। जो हमारा प्रिंसिपल साहब बुझागा BCom या BA करूँगा, देखो कॉमर्स है, मैनेजर बनूँगा, बैंक मैनेजर। 12th किला 74, बहुत अच्छे तरीके से स्कूल में मेहनत की, 12 घंटे रोज क्या पढ़ाते थे, बहुत अच्छा वातावरण था स्कूल का, पढ़ाई का। आगे BTech करने के कितने परसेंट आए आपके? मेरे 70% आए, बहुत लगन से मेहनत करी थी कॉलेज से और कोचिंग से, दोनों से 8 घंटे। स्कूल में कैसा माहौल मिला आपको? बहुत अच्छा माहौल मिला, BTech करूँगा इंजीनियरिंग। 100% है, बहुत लगन से पढ़ाएगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंजीनियर 10 घंटे, लगन से मेहनत करनी चाहिए उन्हें भी। कौन सी क्लास का रिजल्ट आया? 12th कंप्यूटर 81। कितने स्कूल में टीचर्स कैसे पढ़ाते थे आप? बहुत अच्छा माहौल रहा। आगे BTech करूँगा 12th। कितने परसेंट आए आपके? 85%। क्या करते थे आप? मैं 5 घंटे, बहुत अच्छा साहब मिला। मैं बैंक मैनेजर। इसका सर को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, पढ़ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। हमारा कॉलेज ये इस्लामी इंटर कॉलेज जो मीनार चौराहे के पास है, इसका रिज़ल्ट हमेशा ही अच्छा रहा है। इस बार भी हमारा रिज़ल्ट 100% यानी कि 100% रहा है। हाई स्कूल में भी सभी बच्चे पास हो गए हैं, केवल 3 बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है, और इंटर में भी बहुत अच्छा 100% रिज़ल्ट रहा है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनके गार्जियन को भी मुबारकबाद देता हूं। हमारा पूरा विद्यालय उन सब की
भविष्य की अच्छी कामना करता है। और जो हमारा विज्ञान वर्ग का टॉपर है उसका नाम अफरोज आलम है, इसके 74% नंबर, क्या नाम, 71% नंबर हैं। दूसरा मोहम्मद शकील ख़ान, इसके 74% नंबर हैं। और मोहम्मद शाह आलम, जो विज्ञान में जिसने टॉप किया, उसके 77% नंबर हैं। फिर आर्ट वर्ग का जो टॉपर है उसके नंबर 73% हैं। और जो कॉमर्स वर्ग का टॉपर है उसका नाम आस मोहम्मद है, इसके 68% नंबर हैं। एक दूसरी ट्रेंड हमारे यहाँ कंप्यूटर की चलती है, इसमें सभी बच्चे एक तरफ से फर्स्ट क्लास हैं। और जो इस क्लास का टॉपर है सेक्शन का मोहम्मद शुएब, उसके नंबर 85% हैं। इस तरीके से सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और कॉलेज का नाम रोशन किया है। आगे भी इसी तरह हम मेहनत करते रहेंगे और विद्यालय का नाम रोशन करते रहेंगे। कुछ ही दूरी पर दो बाइक सवार चार अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक फाइनेंस कंपनी कर्मचारी से 70,000 रुपए की लूट की। मौके पर एसपी देहात अजय सहदेव पहुंचे। शुक्रवार को जानसर थाना क्षेत्र के भलवा चौकी से 20 मीटर की दूरी पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक युवक से 70,000 रुपए की नकदी लूट ली। दरअसल सचिन पुत्र सुरेश पाल निवासी बिडोला एक फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी है। शुक्रवार को वह गांव भलवा से कैश कलेक्शन कर खतौली जा रहा था, जहां खतौली की ओर से आ रहे दो बाइक सवार चार अज्ञात बदमाशों ने सचिन को रोक लिया और सचिन को हथियारों के बल पर उससे 70,000 रुपए की नकदी लूट ली। घटना की सूचना पर थाना जानसठ पुलिस और एसपी देहात अजय सहदेव मौके पर पहुंचे और पीड़ित से बात कर मामले की जाँच शुरू की। ये थाना जामसठ के गांव भलवा के पास मेन रोड पर सचिन तोमर हैं, जो कि भारत फाइनेंस कंपनी के कैशियर हैं। और इनके द्वारा 100 नंबर पर सूचना दी गई थी कि तीन लड़कों ने इनसे पैसे छीन लिए हैं। और इन्होंने सूचना दी थी, उसमें ये बताया गया था कि 1.5 से 2 लाख के करीब कैश इनके बैग से छीना गया है। तो उसमें संज्ञान में लिया गया मामले को और इसकी जांच भी की जा रही है। और इनका मोबाइल नहीं दिए गए हैं उनके द्वारा, तो ये जानकारी मिली कि उनके कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभा कक्ष में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने सभी विभागों के साथ बैठक कर संबंधित दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभा कक्ष में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुनील कुमार सिंह ने सभी तहसीलों के एसडीएम और तहसीलदारों के साथ कर करोत्तर संबंधित बैठक आयोजित की, जिसमें सभी विभागों की राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अपने विभागों की वसूली जल्द से जल्द पूरे करने के आदेश दिए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। अब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, दिस इज नटखटपरी फ्रॉम बालवीर फ्रॉम सब टीवी एंड यू वॉचिंग सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूँ परेश गणात्रा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं सिटी हलचल पे। बड़ा ही आतंक वाला चैनल है भाई, मजा लीजिए। हाय, मैं हूँ कुणाल गांजावाला और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूँ आमिर अली और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूँ शक्ति मोहन, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूँ संजीदा शेख और आप देख रहे हैं मुझे सिटी हलचल में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रताप फौजदार। अरे लाफ्टर चैंपियन, आप हंसते हो कि नहीं हंसते हो? आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। आपके अपने जनपद मुजफ्फरनगर का एकमात्र मोबाइल एक्सेसरीज एवं म्यूजिक सिस्टम का भव्य एवं विश्वसनीय शोरूम मैक्स कम्युनिकेशन, जो आपकी कसौटी पर पिछले कई वर्षों से उतर रहा है खरा। मैक्स कम्युनिकेशन पर आपको कैशलेस सुविधा के साथ सभी कंपनीज के मोबाइल फोन के फैंसी कवर्स, ब्यूटीफुल डायमंड कवर्स, ओरिजिनल ब्रांडेड एक्सेसरीज, ब्लूटूथ, पावर बैंक, चार्जर, हैंड फ्री, सेल्फी स्टिक, स्क्रीन गार्ड, टेम्पर ग्लास, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, लैपटॉप लेमिनेशन, मोबाइल फोन लेमिनेशन विद फोटो, हेडफोन, म्यूजिक सिस्टम,
पोर्टेबल स्पीकर्स, फिलिप्स, एफएमजी, आईबॉल, इंटेक्स, मिताशी। आपका अपना मैक्स कम्युनिकेशन शोरूम। प्रोप्राइटर हर्ष गुलाटी। 7 गोल मार्केट, निकट शिव चौक, मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 01312635555। हाय, मैं हूं बख्तियार ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं तनाज ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, दिस इज पंचाली एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल। हाय, मैं राकेश बेदी हूं और आप देख रहे हैं सिटी हलचल।
जी पब्लिक स्कूल, चरथावल रोड, निकट लुहारी पेट्रोल पंप, मुजफ्फरनगर। इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर आधारित, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, खुले हवादार बड़े क्लासरूम, वेल ट्रेन्ड क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, बच्चों की उचित शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद की व्यवस्था। दे आर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर लीडर्स, तो हम उन सब चीजों को ध्यान में रख के ही यहाँ अपना एजुकेशन का सिस्टम चला रहे हैं। बच्चों के लिए शीतल आरओ युक्त जल की व्यवस्था, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, बच्चों के आने जाने के लिए स्कूल बस की सुविधा, तो आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनका एडमिशन कराएं। IG पब्लिक स्कूल, चरथावल रोड, निकट लुहारी पेट्रोल पंप, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 8755906011 और हमारा दूसरा नंबर है 8755906012। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं रेमो डिसूजा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, दिस इज नीलिमा अजीम एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल। हाय, दिस इज निकिता निगम एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, दिस इज कायना अरोरा एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल, खबर जरा हटके। नमस्कार, मैं हूं उदिता गोस्वामी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सिटी हलचल। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की धरोहर कंचन तारा साड़ी सूट लहंगों का भव्य शोरूम, शिव चौक मुजफ्फरनगर, कंचन तारा, जहां से होती है फैशन की शुरुआत। मुसलमानों को ये जानना जरूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। कॉस्टेस पब्लिक स्कूल हमारा, हमें बड़ा प्यारा लगता है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भी हमें टीचर पढ़ाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ और साइंस के साथ साथ उर्दू, दरस कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए, जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है? सो वाई वेट, प्लीज कम टू गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट मुजफ्फरनगर, UP। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज बाय द UP गवर्नमेंट। आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, बजेड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, UP, इंडिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। कस्बा
1958 में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने सुखलाल वाल्मीकि की अध्यक्षता में वाल्मीकि मंदिर के पास पंचायत कर प्रशासन द्वारा शमशान घाट को कागजों में दर्ज न कराने का आरोप लगाते हुए बीजेपी का किया बहिष्कार। कस्बा चिरथावल में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने पंचायत कर बीजेपी का बहिष्कार किया। कस्बा चिरथावल में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने सुखलाल वाल्मीकि की अध्यक्षता में वाल्मीकि मंदिर के पास पंचायत कर प्रशासन द्वारा शमशान घाट को कागजों में दर्ज न कराने का आरोप लगाते हुए बीजेपी का बहिष्कार किया। बीजेपी से जुड़े नेताओं द्वारा बाधा डालने की वजह से शमशान की भूमि कागजों में दर्ज नहीं हो पा रही है, जबकि इस शमशान भूमि पर सैकड़ों वर्षों से वाल्मीकि समाज शवों का दाह संस्कार करता रहा है। वही शमशान की भूमि के अति शीघ्र कागजों में दर्ज न होने पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी। मामला वाल्मीकि जो कब्रिस्तान है वो शमशान घाट है, उनकी चार दीवारी का मामला है और उन्हें दर्ज करने का मामला है, जिसे काम काफी समय समय पर मांग उठाते हैं। हमारी प्रशासन से भी मांग है और कि हम इन्हें दर्ज किया जाए। अगर ये दर्ज नहीं होते, हमें पता चला है कि कुछ बीजेपी के नेता भी इसमें अड़चन डाल रहे हैं, तो हमारा समाज बीजेपी का बहिष्कार कर देगा। अगर हो सका तो हम धर्म परिवर्तन करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। पूरा का पूरा वाल्मीकि बस्ती चरथावल आज पक्का हो रहा है और हमारी मांगों को लेकर किसान यूनियन जो है वो साथ चल रही है, तो हम किसान यूनियन से जुड़ जाएंगे। सारे के सारे वाल्मीकि समाज किसान यूनियन से जुड़ने जा रहा है, तो कुल भाजपा को छोड़ देंगे सभी। भारतीय किसान संगठन के बैनर तले दर्जनों किसानों ने किसानों पर हुए अत्याचार के विरोध में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा। मुजफ्फरनगर बीते दिनों मंदसौर में किसानों पर हुए अत्याचार के विरोध में भारतीय किसान संगठन के बैनर तले दर्जनों किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा। किसानों ने बताया कि बीते दिनों मंदसौर में 6 किसानों को किसानों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन में मार दिया गया था और वही उन्होंने निर्दोष किसानों पर गोली चलाने वाले दोषियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्यवाही किए जाने की मांग की। मामले को लेकर डीएम साहब से मिलने आए थे, जैसा वो वहाँ किसान मार दिए पुलिस ने, जो इतने प्रदेशों में आफत उतर रही, हमारे जिले में खुद आफत उतर रही, और मतलब प्रशासन का हमें ऐसा लगा इसका ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो आज तो हम कलेक्टर साहब को आगाह करने आए थे, अब इस बात का ध्यान करो कि जनता में इतना आक्रोश है, अब जैसे हालात वहाँ पैदा हो रहे नहीं, उनसे भी कहीं यहाँ भयंकर हालात पैदा ना हो जा और प्रशासन शासन नु सोचता रह जा, अब मतलब ये क्या हो गया। तो आज तो हम कलेक्टर साहब को ये कहने आए थे कि हमारी तरफ से ये बात लिख के भेजो, जहाँ भी देश में जहाँ कहीं सही जगह जाती हो, कि जो हालात उन प्रदेशों के हैं यहाँ के उनसे भी भयानक हैं, और जो किसान के कर्जा माफी का, गन्ने पे ब्याज का, और मैं बात बताऊं जो एक पक्षीय कार्रवाई का, मतलब सरकार की बात की कुछ समझ में नहीं आ रही लोगों की। भाई हम तो आज कलेक्टर साहब को आगाह करने आए हैं कि जो जिला मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर मंडल है, इसके 3 जिले हैं, तीनों जिलों के लोगों की हमारे से बातचीत हो रही है, रोज फोन आवे, जब लोगों ने हमें घर बैठना आराम कर दिया, आज कलेक्टर साहब को जिले का बड़ा आदमी समझते हुए कहने आए, अब यहाँ के हालात वहाँ से भी भयंकर पैदा हो जाएंगे, यानी हमारे कर्जे फटाफट माफ करवाओ, वे नोट उज हमारे हाथ में दुआ, और इन्हें जब फिरे नहीं पैसे ढेले मांगते गाँव में, अमीन चपरासी जाने लगे, इन्हें सबको आदेश कर दो, जब तक फाइनल बात नहीं होती कोई आदमी मांगने ना जावे, भाई कोई पीठ छित गया तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किसान इस वक्त बहुत भारी क्रोध में है। नगर चौकी प्रभारी राजकुमार सिंह ने भोपा चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक युवक को चोरी की बाइक और अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। SSP अनंत देव तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर वाहन चोर धरपकड़ अभियान के तहत नई मंडी थाना क्षेत्र के गांधी नगर चौकी प्रभारी राजकुमार सिंह ने भोपा चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान दतियाना निवासी दीपक को एक चोरी की स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल और अवैध छुरी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक को नई मंडी पुलिस ने धारा 467, 420, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जिलाध्यक्ष नई मुल्ला उर्फ नानू मियां के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा। मुजफ्फरनगर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जिलाध्यक्ष नई मुल्ला उर्फ नानू मियां के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने किसानों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा।
जिसमें किसानों ने बताया कि किसानों ने समस्याओं के निदान के लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे थे, जिनके ऊपर प्रदेश सरकार ने तानाशाही दिखाते हुए गोली चलवा दी थी, जिसके चलते 6 किसानों की मौत हो गई थी। वहीं शहर व जिला कांग्रेस कमेटी और समस्त कांग्रेस जन से मांग की कि किसानों की ऋण माफी तत्काल की जाए, किसानों को फसलों का वाजिब मूल्य दिलाया जाए। ये जो मध्य प्रदेश में किसानों पर जुल्म हो रहा है, उसके विषय में हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। मध्य प्रदेश का किसान दुखी होकर अपनी मांग को लेकर बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चला रहा था। इस तानाशाही सरकार ने उन पर गोलियां चलवा दी, जिससे 6 किसानों की मौत हो गई। उसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, उन परिजनों से मिलने के लिए गए, उन्हें वहाँ तक नहीं जाने दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ा दुखद विषय है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और तानाशाही उजागर हो रही है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अघोषित आपातकाल की स्थिति इस पूरे देश में बन रही है, भय का माहौल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण, ये किस्से दो गुना से लेकर 4 गुना तक अधिक हो गए हैं इस 1.5 महीने में ही, और ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। हमने राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से मांग की है कि किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए और उनकी फसलों का सही दाम दिया जाए और जो उनकी मांगे वो पूरी की जाए। अखिल भारतीय पंचायत विकास संगठन के बैनर तले दर्जनों ग्राम प्रधानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा। मुजफ्फरनगर अखिल भारतीय पंचायत विकास संगठन के बैनर तले दर्जनों ग्राम प्रधान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूर की मजदूरी 175 रुपए और राजमिस्त्री की मजदूरी 375 रुपए, जो पर्याप्त नहीं है, और मनरेगा मजदूरी का पेमेंट 6 माह तक भी नहीं मिल पाता, और हमारे यहाँ के मजदूर 350 रुपए और राजमिस्त्री 500 रुपए की पेमेंट चाहते हैं। प्रत्येक माह की इस 1 तारीख को किसान दिवस की तरह पंचायत दिवस के रूप में भी आयोजन किया जाना चाहिए। हम हिसाब से गाँव में जो विकास कार्य बंद पड़े हैं, कार्य योजना फीडिंग नहीं हो पाया, सरकारी हैंडपम्पों का रिवॉर नहीं हो पाया है, उसके लिए हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में कार्य योजना फीडिंग का कार्य करा दिया जाएगा और काम गांव में जो विकास कार्य है उस चारों रूप से जारी हो जाएंगे। हमारा गाँव खांजापुर है, पूरे जिले का मतलब ग्राम प्रधान, कोई भी ग्राम पंचायत हो, किसी में भी अभी तक कोई काम चालू नहीं हो पाया। और आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।